हेलो स्टूडेंट, क्लास UKG। हम लोग आज पढ़ते हैं हिंदी, लेसन 9, हृदय उदार बनाओ। मतलब हमें क्या बनना चाहिए? एकदम उदार बनना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए, और सबों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसी पर आधारित आपका है ये लेसन। और इसमें जो है कि वी की मात्रा, ठीक है, उसका उपयोग अधिक किया गया है। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या है, जीव मात्र पर कृपा दिखाओ। कहता है जीव पर हमें क्या करना चाहिए, कृपा दिखाना चाहिए। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग अधिक समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको कहीं कुछ समझ नहीं है, तो उस सब जीवों पर हमें क्या करना चाहिए, कृपा दिखाना चाहिए। ये नहीं, कोई जीव अगर भूखा है तो जैसे भी हो थोड़ा खाना उसे खिलाना चाहिए, या फिर उसे मारना नहीं चाहिए, यहाँ वहाँ जहाँ तक भगाना नहीं चाहिए, उस पर हमें किसी भी प्रकार का तकलीफ उसे नहीं देना चाहिए। अब आगे देखिए, मन में घृणा वृथा न लाओ। मतलब बेमतलब का मन में घृणा की भावना हमें नहीं लाना है। हृदय अपना उदार बनाओ। मतलब उदार बनाने का मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी को कोई तकलीफ है और हम सक्षम हैं, तो उस तकलीफ को उसका हम दूर करें, उसे हम उदार उसके प्रति बने, उसे तकलीफ हम ना पहुंचाएं। फिर आगे देखिए क्या है, कभी हृदय में बैर न लाओ। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी बैर मतलब किसी से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नित नए वृक्ष लगाओ। और नित नए मतलब क्या, कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कोई ना कोई पेड़ पौधा लगाते रहना चाहिए। मतलब पृथ्वी यह हरी भरी बनाओ, हमारा जो ये पृथ्वी है इससे हम हरा भरा बना के रखें, क्योंकि तो पेड़ पौधे अगर अधिक रहेंगे तो अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगा तो फसल अधिक होगा, अधिक फसल होगा तो हमें अनाज अधिक मिलेगा। उसी उद्देश्य से कहा गया है, मान लिया जाए जैसे कि अभी देखिए हम लोग सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, उस खाना में क्या खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी क्या है, फसल से है, पौधे ही हैं। हम सब्जी खाते हैं प्रत्येक दिन, तो वो सब्जी भी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से ही मिलता है। या फिर देखिए दूध हम पीते हैं, ठीक है, दूध हमको किससे मिलता है, गाय देती है हमें दूध, ठीक है, लेकिन गाय क्या खाना खाती है, पेड़ पौधे ही तो खाते हैं। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो गाय हमें दूध अधिक देगी। मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर हर परिस्थिति में पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, कृपालु ऋषि। कृपालु ऋषि मतलब एक ऋषि है, और उसके दयालुता के बारे में, उसकी कृपा के बारे में, कैसी उसका स्वभाव है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है एक ऋषि थे, वह बहुत कृपालु थे, बहुत ही दयालु थे, वो बहुत दया भरा हुआ था उनमें, सब पर उसकी कृपा रहती थी, सबों पर उसकी कृपा रहती थी, जो भी चीज सामने जो दिख जाए उसको वो क्या करते थे, उसका सहायता वो अवश्य करते थे। उनकी कुटिया के पास एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था। तो ऋषि जो है वो बड़े बड़े घर में, बंगलों में या मकान में नहीं रहते हैं, वो छोटे सी कुटिया में ही जिसमें वो रह ले, उनका जीवन यापन हो जाए उसी में वो रहते हैं। तो बोलता है कि उनकी कुटिया के पास एक कृषक मतलब क्या हुआ, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास दो वृषभ थे। दो वृषभ मतलब क्या हुआ, वृषभ यहाँ कहा गया है, तो आपको बतलाए हम कि ऋ की मात्रा का अधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ देखिए वृषभ का प्रयोग किया गया है। मतलब दो बैल थे, थक कर वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। तो थक जब हम जानते हैं कि कृषक काम कर रहा था, काम करने करते उसके पास कृषक के पास कितने बैल थे, दो बैल थे, तो थक गए और एक वृक्ष के नीचे वो क्या करने लगा, आराम करने लगा। ठीक है, तभी एक नृप कुटिया के पास आया। तो नृप मतलब राजा, तभी राजा क्या हुआ, एक कुटिया के पास आया। वह एक मृग का पीछा कर रहा था। मृग यहाँ किसको कहा गया है, हम लोग जानते हैं कि हिरण को कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है एक मृग का पीछा वो कर रहा था।
कृपालु ऋषि ने निरीप से कहा, तो वही जो ऋषि थे कृपालु ऋषि, तो उन्होंने राजा से कहा इस मृग पर दया करो, मतलब यह जो मृग है इस पर दया करो, मतलब इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। निरीप चला गया, मतलब राजा वहां से चले गए, मृग की जान बच गई। ठीक है, ऋषि ने कहा किसी से घृणा मत करो। ऋषि ने क्या कहा कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ना ही किसी से घृणा करना चाहिए, ना ही किसी से हमें झगड़ा करना चाहिए, हम सबों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इस पर। यहाँ देखिए, नहीं यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, दिए गए चित्र को पहचानो। तो यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है आपके पास, तो इस चित्र में से क्या क्या है सबको हमको पहचानना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है देख रहे हैं, हिरण, लेकिन यहाँ गो दिया हुआ है, यहाँ मृग भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें हम लोग, मृग भरेंगे। यहाँ देखिए क्या है, कृषक, क्री भरेंगे यहाँ पर, कृषक। ये क्या है, पेड़ है, यहाँ अक्षय दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या भरेंगे हम, वृक्ष। ये देखिए घर है, लेकिन यहाँ अंत में ह दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, गृह, गृह भरेंगे, गृह मतलब घर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, री की मात्रा, नहीं तो री की मात्रा लगाकर शब्द को हमको पूरा करना है, मृग मात्री, नहीं तो जैसी जैसे आपका है अपने हिसाब से, देखिए लेसन में आप पढ़ चुके हैं सब जगह। ठीक है, घृत कृत नृत्य गृह वृक्ष कृपान पृथ्वी, नहीं दृढ़ पित्री सृजन, तो इस प्रकार से री की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब आगे देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें, आपको लंबा आंसर इसका नहीं लिखना है, यहां आपको बोला गया है एक शब्द में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर कुटिया के पास कौन काम कर रहा था, तो कुटिया के पास एक किसान काम कर रहा था, नहीं कृषक लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे, कृषक कहा है। तो यहां पर देखिए एक शब्द में उत्तर बोला है, तो कुटिया के पास कौन काम कर रहा था, तो यहां लिख देंगे कृषक। कृषक ने किसके नीचे आराम किया, तो कृषक किसके नीचे आराम किया, वृक्ष के नीचे, तो यहां वृक्ष लिख देंगे। तभी वहां कौन आया, निरीप, कौन आया, निरीप, राजा आया, तो यहां पर निरीप लिख देंगे। वह किसका शिकार करना चाहता था, तो मृग का शिकार करना चाहता था, यहां पर क्या भर देंगे हम, मृग भर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुटिया के पास कौन काम कर रहा था, तो कृषक भर देंगे इसमें। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है आपका, कृषक के नीचे, कृषक ने किसके नीचे आराम किया, तो कृषक ने किसके नीचे आराम किया, वृक्ष के नीचे। तभी वहां कौन आ गया, निरीप आ गया। वह किसका शिकार करना चाहता था, मृग का शिकार करना चाहता था। अब आगे देखिए, यहां दिया हुआ है आपका क्या, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरो। यहां पर आपका दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, यहां दो शब्द दिया हुआ है, यहां पर इसी आपको भरना है। जीवन मात्र पर डैश करो, क्या करो, कृपा करो या वृथा करो, कृपा करो। मन में डैश नो वृथा करो, मतलब घिरना नो वृथा करो, बेकार का मन में घिरना नहीं करना है। डैश अपना उदार बनाओ, अपना हृदय को उदार बनाओ, कभी हृदय में डैश नो लाओ, मतलब बैर नो लाओ ना। ठीक है, अब आगे देखिए, बोल बोल कर पढ़ो और लिखो, यहाँ पर आपको पढ़ना है, बोलना है, पढ़ के लिखना है। ठीक है, मृग दृग कृत घृत। ठीक है, अब अगला पेज देखते हैं, हम लोग उलटते हैं इसको, यहाँ देखिए ए शब्द जो है इसको हम लोग अब क्या करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। ये जो ए है इसको हम लोग फिर अगले दिन पढ़ेंगे, और यहाँ पर ए मात्रा जो है उसके लिखकर बनाया हुआ है, इसको हम लोग रेल चली ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। जितना भी अभी आप पढ़े, जितना भी आपको अभी बताया गया, ठीक है, ये सब एक से लेकर चार तक इसको बनाकर पोस्ट कीजिएगा। ओके।